नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं देशदी न्यूज़। प्रकृति के संरक्षण को लेकर के बिहार आज एक नया इतिहास लिखने जा रहा है और वो इतिहास है जल जीवन और हरियाली जैसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर के बिहार ने आज लोगों में जागरूकता फैले। इसके लिए मानव श्रृंखला जो है वो पूरे बिहार में बनाई जाएगी और उस मानव श्रृंखला में कोई कोर कमी ना हो तो उसमें समाज के सभी वर्ग के लोग जो हैं अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिहार होमगार्ड के जवान भी इस महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान में कदम से कदम मिलाकर के साथ दे रहे हैं और ये लोग भी सड़क पर उतरे हुए हैं, मानव कतार में शामिल हो रहे हैं और ये भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पृथ्वी पे जल है, हरियाली है तो ही जीवन है। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो होमगार्ड के जवान हैं वो आज मानव जो कतार जो बन रही है उसमें शामिल हो रहे हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश होगी, बात करते हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश है होमगार्ड की? हाँ जी, ये तो है ही मैसेज कि हम लोग तो चाहते हैं कि नशा और हरियाली जो भी है, नशा तो मुक्त करना ही करना है, लेकिन सबसे है जो कि हरियाली और दहेज प्रथा, दहेज प्रथा को हम लोग चाहते हैं, अपना दिल से चाहते हैं कि इसको मुक्त हो जाए तो और अच्छा होगा। और नशा तो मुक्त है ही, थोड़ा बहुत है उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो उसको भी मुक्त करना है। तो देखिए, बिहार में चूंकि ये जो इशू है जल जीवन हरियाली, इसके साथ साथ दो तीन सामाजिक उद्देश्य भी हैं इस मानव कतार के और इसमें एक प्रमुख मुद्दा है नशा मुक्त बिहार की कल्पना की है और उस दिशा में बिहार सरकार ने कई ठोस पहल किए हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया और ऐसा लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है और उसे वो भी आगे बढ़ रहे हैं, वो भी यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति अगर संरक्षित होगी तो ही जीवन संरक्षित होगा। और ये तमाम जो मुहिम है वो बिहार में चल रही है तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इस वक्त बिहार में चल रही है और शायद यही वजह है कि बिहार जल जीवन और हरियाली को लेकर के लोगों के बीच सामाजिक जागरूकता का संदेश देने वाला भी देश का पहला राज्य है। सहयोगी सोनू के साथ नवनीत कुमार, देशदी न्यूज़, पटना।